Assalamu alaikum. Good morning, children. How are you all? Yes, you are looking very nice and fresh as always. Yes, I am perfectly fine. Alhamdulillah. Ji janab, bataiye bhai, humme kya kar rahe hain aajkal? Kya ho raha hai? गेम खेल रहे हैं. वेरी गुड. ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप गेम खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ रिवीजन भी कर रहे हैं. यस, ये है पॉइंट की बात कि आप लोग जो हैं रिवीजन भी कर रहे हैं साथ साथ. तो सिर्फ जो मैं करवा रही हूँ वही कर रहे हैं या खुद से भी कर रहे हैं? खुद से भी कर रहे हैं. रीडिंग की थी कल? खुद से भी रीडिंग की थी. वेरी गुड. काम कम्प्लीट कर लिया था? वेरी नाइस. सेंड भी कर दिया था, वॉइस में बता दिया था ना टीचर को? वेरी गुड. अच्छा जी, इसका मतलब है कि आज हम और कंटिन्यू करते हैं और रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि भाई हम कितना भूल गए हैं, कितना याद है, कितना हमें और याद करना है. ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? कौन सा चैप्टर हम रिवाइज कर रहे हैं भाई? यस, चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? व्हाट्स द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 3? यस, आर यू एन एनिमल? यस. अच्छा जी, और हमारे पास क्या मौजूद है? हमने यहाँ पे पेज नंबर 23 हमारे पास मौजूद है इस चैप्टर का, और हमने कल एक्सरसाइज की थी यहाँ पे अंडरस्टैंड की. रिमेनिंग एक्सरसाइज मौजूद है आस्किंग क्वेश्चन, जिसमें हम क्या करते हैं, मेक्स क्वेश्चंस फॉर दीज स्टेटमेंट्स स्टार्ट विद गिवन वर्ड्स. हमने क्वेश्चंस बनाए थे, याद करें हमने क्या करा था, हमारे पास आंसर्स मौजूद थे और हमने आंसर्स के साथ क्या किया था, उसके साथ एक छोटा सा वर्ड मौजूद होता है ब्रैकेट में, उस वर्ड को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चंस बनाए थे. जी याद है आप लोगों को क्वेश्चंस? याद है? नहीं याद, थोड़े से भूल गए हैं, तो बस अपनी बुक बंद रखें, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पेज पे काम हो गया है. आप बंद कर दीजिए. मैंने सिर्फ ये बताया कि हाँ पेज नंबर 23 पे मौजूद है, तो हम बाद में जब आप काम करेंगे, रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, तो पेज नंबर 23 खोल दीजिएगा. लेकिन अभी सिर्फ वीडियो देखें और मुझे बताएं कि भाई इसका क्वेश्चन क्या है, क्या हम बनाएंगे, आंसर्स हमारे पास मौजूद हैं, जल्दी 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 रिकॉल करते हैं. ठीक है, चलें जी. हमारे पास यहाँ पे आंसर मौजूद है. फर्स्ट, मिसेस रैबिट कॉल्ड अहमद फॉर हेल्प. मिसेस रैबिट कॉल्ड अहमद फॉर हेल्प. मिसेस रैबिट ने अहमद को कॉल की थी हेल्प के लिए. ठीक है, तो हमने क्या कहेंगे, हम क्वेश्चन बनाएंगे. क्वेश्चन कौन सा वर्ड यूज करके बनाएंगे? लिखा हुआ है यहाँ पे वाई. वाई, वाई. जी बताइए भाई जनाब, कैसे बनाया था हमने क्वेश्चन? जी रिविजन है ना, याद तो होगा आपको, थोड़ा सा याद है, कुछ तो याद होगा. कुछ तो बताइए कि हमने क्या क्वेश्चन बनाया था. जी हमने क्वेश्चन बनाया था, व्हाई डिड मिसेस रैबिट कॉल अहमद. मिसेस रैबिट ने अहमद को क्यों कॉल की थी भाई? व्हाई डिड मिसेस रैबिट कॉल अहमद. और इसका आंसर है, मिसेस रैबिट कॉल अहमद फॉर हेल्प, अपनी मदद के लिए उन्होंने कॉल की थी ना, मुझे फंस गई थी. बिल्कुल. आंसर नंबर 3 है हमारे पास, यस, ह्यूमंस आर स्मार्टर देन एनिमल्स. यस, ह्यूमंस आर स्मार्टर देन एनिमल्स. जी हाँ बिल्कुल, ह्यूमंस जो हैं वो एनिमल्स से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, ज़्यादा ज़हीन होते हैं, ज़्यादा अक्लमंद होते हैं, है ना? तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है, और क्वेश्चन बनाने के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ करना है? आर. आर, आर हमारा क्वेश्चन बनेगा. आर ह्यूमंस स्मार्टर देन एनिमल्स? आर ह्यूमंस स्मार्टर देन एनिमल्स? क्वेश्चन मार्क. यस, आर ह्यूमंस स्मार्टर देन एनिमल्स. इसका आंसर हमने लिखा, यस, ह्यूमंस आर स्मार्टर देन एनिमल्स. वेरी गुड. आंसर नंबर 3 है, There were 6 tiny bunnies. There were 6 tiny bunnies. हमारे पास जो है ब्रैकेट में वर्ड मौजूद है हाउ, यानी कि हमें मालूम करना है हाउ. There were 6 tiny bunnies. 6 tiny bunnies, तो हमने क्वेश्चन बनाना है, How many tiny bunnies were there? How many tiny bunnies were there? कितने tiny bunny थे वहाँ पे भाई? Yes, there were 6 tiny bunnies. बिल्कुल सही. 7 तो नहीं थे, 8 तो नहीं थे, याद कर लें एक दफ़ा से. नहीं, 6 ही थे. Very good. Answer number 4 है हमारे पास, Yes, humans take care of everyone. Yes,
ह्यूमन टेक केयर ऑफ एवरीवन, ह्यूमन हर किसी की केयर कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, डू। क्वेश्चन क्या बनेगा, डू। यस, डू से हम क्वेश्चन बनाएंगे और हम क्वेश्चन इसका क्या बनाएंगे, डू ह्यूमंस टेक केयर ऑफ एवरीवन। यस, डू ह्यूमंस टेक केयर ऑफ एवरीवन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। आंसर है यस, ह्यूमन टेक केयर ऑफ एवरीवन। ठीक है जी, हमारे पास एक और दफा इसको रिवाइज करते हैं, जल्दी से करते हैं। मिसेस रैबिट कॉल्ड अहमद फॉर हेल्प, क्वेश्चन बनाएंगे, व्हाई डिड मिसेस रैबिट कॉल अहमद। यस, ह्यूमंस आर स्मार्टर देन एनिमल्स, आर ह्यूमंस स्मार्टर देन एनिमल्स। देयर वर 6 टाइनी बनीज, हाउ मेनी टाइनी बनीज वर देयर। यस, ह्यूमंस टेक केयर ऑफ एवरीवन, डू ह्यूमंस टेक केयर ऑफ एवरीवन। ठीक है जी, हमने कंप्लीट किया आज का काम, हमने रिवाइज किया आस्किंग क्वेश्चन की एक्टिविटी। अब आपने क्या करना है, अच्छे से ये वीडियो देखनी है, रिवाइज करना है, क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, किस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन के लास्ट में हमेशा हम क्या लिखते हैं, क्या डालते हैं, कौन सा मार्क होता है, वो क्वेश्चन मार्क। ज़रूर ये याद रखिएगा कि हम जब क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके लास्ट में आखिर में क्वेश्चन मार्क डालते हैं। काम कम्प्लीट कीजिए, फिर अपनी पेरेंट्स से रीचेक कराएं, उनको सुनाइए, उनसे कहें कि हमारा ये काम सुन लीजिए, हमने आज रिवाइज किया है, और अपने टीचर को वॉइस नोट भेजें कि आज हमने आस्किंग क्वेश्चन की एक्टिविटी को रिवाइज किया है। और उनको वॉइस नोट भेजने के बाद क्या करेंगे, मेरा वेट करेंगे, कल मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।